जाके चौकी भी दोनों हाथ मेरे ऊपर करके और खड़ा करके एक लोगों ने मेरे पीठ की रीढ़ की हड्डी में लात लगा के फिर मेरी पिटाई लगाई और कहा साले भग्गी अगर तूने बताया तुझे और कोतवाल में जाके मारेंगे बंद करके। खाकी, जिसके नाम से अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, जिनके डर से बदमाश अपनी जान की गुहार लगाते हैं, लेकिन आज इसी खाकी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल यूपी के जनपद शाहजहांपुर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने यूपी पुलिस के कार्यशैली पर ही नहीं बल्कि पूरे महकमे पर सवाल खड़ा कर दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र की पाकड़ चौकी के सिपाही और दारोगा ने एक दलित युवक को उसकी दुकान से उठाकर पुलिस चौकी लाकर हाथ पैर बांधकर डंडे से इतना पीटा कि उसकी पसली और हाथ की हड्डी टूट गई। कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने बताया कि वाल्मीकि समाज में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दसवां संस्कार में सुअर के मीट का चलन है। मेहमान शाह मोहल्ला निवासी मृतक राजेश के परिवार में सुअर का मीट देना था। पीड़ित के चाचा नंद कुमार मृतक परिवार को मीट पहुंचाने के लिए भतीजे की दुकान पर गए थे, तभी वहां पर पीछे से पाकड़ चौकी की पुलिस भी पहुंच गई। आरोप है कि दुकान के बाहर से पुलिस दुकानदार के चाचा नंद कुमार को उठाकर पुलिस चौकी पर ले गई, जहां चौकी प्रभारी समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने चौकी के अंदर दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए। उसके बाद दीवार से सटाकर उनको खड़ा करके पीछे से डंडे बरसाना शुरू कर दिए। दुकान है मीट शॉप जो रोड से कम 500 किलोमीटर दूर है, इसी पार अचानक वहां पहुंच गया और दिनेश चंद्र ये कहने लगे साले भंगी सूअर की मीट क्यों काटा, हमारी बिरादरी में चलन ऐसा है कि जो भी कोई एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ पे मीट जाता है, जो नाते रिश्तेदार आते हैं वो सब लोग उसका जो है खान पान होता है और उसी के द्वारा जो है जैसे अन्य जातियों की थाली वगैरह निकलती है इसलिए उसमें रखा जाता है। कान पकड़ के भई से जो है मारता हुआ उनका उन्होंने खींच के मारना पीटना शुरू कर दिया और खींचते हुए ले जाके हमें चौकी में सर खड़ा करके बहुत मारा, लाठी डंडों से दो लाठियाँ टूट गई। उसके बाद सर हमें नहीं पता हम तो 5-10 मिनट के बेहोश हो गए, बाकी हमारे परिवार के जन पहुँचे उन्होंने देखा फिर बातचीत की क्या हुआ हमें नहीं पता। वहीं इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुधीर जायसवाल का कहना है कि एक प्रार्थना पत्र पुलिस ऑफिस में दिया गया है जिसमें नंद कुमार जो पकड़ चौकी क्षेत्र के रोशनगंज के रहने वाले हैं आरोप लगाया गया कि पुलिस चौकी में लाकर मारा है जिससे चोटें आई हैं। कल एक प्रकरण प्रार्थना पत्र पुलिस ऑफिस दिया गया कि नंद कुमार वाल्मीकि जो पाखड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं उस दुकान पर उनको आरोप लगाया कि पुलिस ने ला के मारा है, इसमें उनको चोटें आई हैं। इसमें अभी तक जाँच में जरा इसमें की जा रही है, तथ्य में आ रहा है कि वहाँ पर एक मीट की शॉप है सुअर की जो खुली हुई थी वहाँ पर ये मीट शॉप बेच रहे थे। सूचना पब्लिक द्वारा पुलिस को मिली थी, एक आरक्षी इनको लेके आया था चौकी पर जो अभी आरोप लगाया कि उस आरक्षी और एक अन्य व्यक्ति द्वारा इनसे वहाँ पर मारपीट की गई थी। अभी कोतवाली इलाके को बाद में इनके घर वाले जब आए तो इनको छोड़ा गया था, इन्हें उस पर आरोप भी लगाया, इसकी जाँच की जा रही है, उसी की जाँच पूरी कर ली जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ रिपोर्ट जो है एसपी साहब को दी जाएगी कार्रवाई के लिए। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने नंद कुमार को चौकी में लाकर पिटाई करने के मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुधीर जायसवाल को दी, जिसके बाद पीड़ित द्वारा जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाने के बाद पकड़ चौकी उप निरीक्षक दिनेश चंद्र, आरक्षी ऋषि पाल, सुमित सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। चौकी पर वहां पर चौकी के कुछ दो आरक्षियों और द्वारा इनके साथ अनावश्यक बल प्रयोग किया गया तो प्रथम दृष्टा पाया गया है और बयान के आधार पर परिस्थितियों और जनसाच के आधार पर और ये रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक मदद दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर चौकी इंचार्ज पाखड़ और इनकी भी संलिप्तता प्रथम दृष्टा पाई गई थी और दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। मामला पुलिस से जुड़ा होने के कारण पुलिस के आलाधिकारी भी पहले कुछ भी कहने से बचते रहे, लेकिन मामला बढ़ता देख पुलिस के अधिकारियों ने आरोपियों को निलंबित करते हुए अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।